कोरोना वायरस महामारी, लॉकडाउन कर्फ्यू और अब लॉकडाउन दौरान पैदा आर्थिक हालातों में देश व प्रदेश भर में स्कूल बंद पड़े हैं। वहीं गैर सरकारी विधायक आधारों की ओर से गुंडागर्दी कर स्कूली बच्चों के अभिभावकों से एडमिशन व ट्यूशन फीस के नाम पर किसी न किसी तरीके से परेशान किया जा रहा था, जिसको लेकर अभिभावक द्वारा निजी स्कूलों की गुंडागर्दी के खिलाफ सड़कों पर उतर कर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि निजी स्कूलों की ओर से मांगी जाने वाली एडमिशन व ट्यूशन फीसों संबंधी मामला माननीय हाईकोर्ट में विचार अधीन चल रहा है। अब मामला और गंभीर होता जा रहा है। कपूरथला में निजी स्कूलों की ओर से अपने स्कूल टीचरों को बच्चों के घर तक भेज अभिभावकों को तंग परेशान कर बंद स्कूलों की फीसें मांगने का मामला जिला कपूरथला में सामने आया। दूसरी ओर लॉकडाउन बंद आर्थिक मंदी में पैदा हुई परिस्थितियों में अभिभावकों को जिला कपूरथला में निजी स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस देने के लिए तंग किया जा रहा है। निजी स्कूलों की बढ़ रही गुंडागर्दी पर नकेल डालने के उद्देश्य से एकता पार्टी अध्यक्ष गुरमीत लाल बिट्टू ने पार्टी वर्करों के साथ डिप्टी कमिश्नर कपूरथला दीप्ति उपल को मांग पत्र सौंप निजी स्कूलों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वालों और एकता पार्टी जिम्मेवार साथियों वालों से डिप्टी कमिश्नर से एक मंग पत्र देन आए थे, जो पिछले 3 महीने तो लगातार लॉकडाउन लगा पाया वा, वो अज भी लगा क्योंकि पिछले 2.5 महीने जरा करफ्यू लगा रहा वा। और करोना महामारी बीमारी तो मैं समझदा पूरे हिंदुस्तान की पूरे वर्ल्ड में फैली पई है। और संबंधी मैं समझदा बच्चों की पढ़ाइया जड़िया वा वो लगातार 3 महीने तो रुकिया वा, हो सकता गाँव भी जोड़ा वा 3 महीने रुकिया रहन, पर लगातार जोड़े प्राइवेट स्कूलों के मालक है वो अपने टीचर घर भेज के बच्चों के पेरेंट्स को कह रहे हैं कि सानू एडमिशन दो, सानू फीसा दो, एडमिशन अपने ट्यूशन फीसा दो। क्योंकि असी डीसी साहब ने यह मंग कर आए थे कि सरकार दी हदायतों मुताबक, क्योंकि कैप्टन साहब ने गल कही थी कि जिन्ना चिकर स्कूल बंद रहेंगे जां स्कूल नहीं खुलेंगे उन्ना चिकर कोई भी पेरेंट जिहड़ा वा ना तो फीस दूगा और ना ही कोई एडमिशन दूगा। और जिहड़े स्कूलों के मालक कह रहे कि असी ऑनलाइन पढ़ाई कराने पे हैं, क्योंकि जिन्ना बेचारे को स्मार्टफोन ही है नहीं गए जां बच्चे जिहड़े बहुत छोटे हैगे आ वो तो ऑनलाइन ना पढ़ सकते हैं तो ना कोई सुन सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ स्कूलों में ही पढ़ सकते हैं जां सुन सकते हैं। और दूजी गल जिन्ना को स्मार्टफोन ही है नहीं गए जिहड़े बेचारे रक्षे वाले आ जां छोटे दुकानदार आ जां किसान हैगे आ उन्हां को फोन ही है नहीं, वो पढ़ाइया जिहड़ियां ऑनलाइन कितों करनगे। मैं समझदा भी ये प्राइवेट स्कूलों वाले करोड़ों रुपया ला के बिल्डिंगा बना के बैठे आ, इन्हों तो ये परिवारों से तरस खाना चाहिए, क्योंकि स्कूल बंद है स्कूलों में पढ़ाई बिल्कुल जी बंद हैगी। ऑनलाइन पढ़ाई जी सिर्फ व्डे बच्चों वास्ते हैगी, छोटे बच्चों वास्ते ऑनलाइन पढ़ाई जी इस वे नहीं हो सकती ना आएगा होनी है, क्योंकि जरा लॉकडाउन हैगा क्योंकि बीमारी जी बड़ी खतरनाक हैगी है। हो सकता गाँ 2 महीने 3 महीने जी गाँ चल सकती है, पर जे इन्हों पता कि स्कूल बंद है ये उन्ना चिकर अपने टीचर जोड़ा मैं समझदा तनखावं देन, क्योंकि करोड़ों रुपया बच्चों को कमाया तो जे अच्छ 2-4 महीने जी तनखावं टीचर दे देंगे मैं समझदा इन्हों कोई फर्क नहीं पैना। अज तो 2 महीने बाद भी जोड़ा वा वो एडमिशन लैके ज फीसा लैके वो बिल्डिंग जड़िया वा वो बच्चों के घरों निकलनिया वा, बच्चों ने ही इन्हों की जी फीसा एडमिशन दे के इन्हों बिल्डिंग खड़िया करनिया। असी मीडिया राही फिर मंग करते हैं और कमिश्नर साहब को असी मंग की है कि जिन्ना चिकर लॉकडाउन लगा पाया वा सरकार दी हदायतों मुताबक ना तो फीस लग सकते हैं और ना ही एडमिशन लै सकते हैं। जे ऑनलाइन की गल करते पे आ छोटे बच्चे जड़े है वो ऑनलाइन पढ़ाई जड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि जड़े वड़े बच्चे हैगे है वो तो ऑनलाइन पढ़ाई जड़ी कर सकते हैं, पर सरकार के हुक्मां अनुसार वो भी जड़े फीस तो एडमिशन जड़े है देन दे अधिकार उन्हां कोल नहीं हैगे। असी फिर एक बारी कमिश्नर साहब नूं मंग करते हैं कपूरथला जिन्हें भी प्राइवेट स्कूल है इन्हों की इनकुआरी करके जी इन्हें बनती कार्रवाई की जाए।